अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मंचूरियन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मंचूरियन आप कैसे घर पे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मंचूरियन बॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी लिया है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/3 कप कद्दूकस किया हुआ गाजर। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 प्याज, इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 ग्रीन चिली, इसे भी मैंने पतला पतला काट लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून मैदा। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब आपको जितने बड़े मंचूरियंस के बॉल चाहिए आप उस साइज़ के बॉल्स बना लें। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के बॉल्स बना रही हूँ। जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आप सारे बॉल्स बना करके रेडी कर लें। आप देख सकते हो हमारे मंचूरियन के बॉल्स रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल लिया है। अब हम ऑयल में बॉल्स को फ्राई करेंगे। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से कुक हो सके। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो जो बॉल्स हैं वो हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करें। आप देख सकते हो हमारे बॉल्स गोल्डन कलर में आ चुके हैं। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून गार्लिक, इसे हमने बारीक चॉप कर लिया था। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1/2 टेबलस्पून जिंजर, इसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया था। इन सबको हमें तब तक पकाना है जब तक कि अदरक और लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो चली ना जाए। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप अनियन, इसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हम 3 मिनट तक पकाएंगे। प्याज को हमें तब तक पकाना जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। आप देख सकते हो प्याज हमारा पक चुका है। तो इसमें मैं कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हमें 1 कप कैप्सिकम ऐड करना है और कैप्सिकम को भी हम 2 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हो कैप्सिकम हमारा पक चुका है। ग्रेवी में आप नमक थोड़ा कम ऐड करें क्योंकि हम इसमें सॉस भी ऐड करने वाले हैं और सॉस में भी नमक होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। साथ ही यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 3 टेबल स्पून टोमेटो सॉस। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसे 3 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। मंचूरियन की ग्रेवी को थोड़ा थिक करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून पानी। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और इस मिक्सचर को हम ग्रेवी में ऐड करेंगे जिससे हमारी ग्रेवी जो होगी वो थोड़ी थिक हो जाएगी। इससे हमारी ग्रेवी का जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब मैं इस ग्रेवी में इस मिक्सचर को ऐड करूँगी। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्च। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मंचूरियन बॉल्स। मंचूरियन बॉल्स ऐड करने के बाद हम इसे 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे।
15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा मंचूरियन रेडी हो चुका है। ये दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आप मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग ये रेसिपी ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।